हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको CGPAT एग्ज़ाम से रिलेटेड तीन जो आपके बड़े सवाल आ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपका आ रहा था, BSc कृषि में प्रवेश लेना क्या अब थोड़ा सा पेचीदा टाइप का हो गया है, क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स है उसमें जो आपकी जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं। साथ ही साथ जो आपका महात्मा गांधी उद्यानिकी जो विश्वविद्यालय है उसकी जो आपकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, और क्या इसकी जो काउंसलिंग है वो अलग से होती है, और होती है तो किस वेबसाइट के थ्रू या कहाँ से हम उसकी काउंसलिंग में अटेंड हो सकते हैं। तीसरा जो सवाल है वो है कि छत्तीसगढ़ कामधेनु में जो आपका VVPT है जिसके द्वारा आपका पशुपालन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, तो उसके लिए नोटिस और जो काउंसलिंग है वो कब और कहाँ से हमें पता चलेगा। तो इन क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन में ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको आगामी जितने भी नोटिफिकेशंस हो आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से उसकी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर ज्वाइन नहीं हो आप तो ज़रूर ज्वाइन होना, वहाँ पर मैं नोटिफिकेशंस की PDF पोस्ट वगैरह है, क्वेश्चन सीरीज है, वो डालते रहता हूँ। सबसे इंस्टेंट आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, मैंने लिंक दे रखा है, नहीं तो आप इस नंबर में भी मुझे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BSc कृषि में प्रवेश लेना हुआ और पेचीदा, क्या आपने सीट मैट्रिक्स देखा, तो सीट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा तो आज जो हमारा 15 अगस्त है तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आज ही के दिन आपका जो काउंसलिंग है BSc एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए, तो उसका काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंड हो जाएगा आज 12 बजे तक। तो आप जिस भी किसी छात्र ने अपना जो काउंसलिंग का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जाइए igkv.ac.in पे, वहाँ पे एडमिशन पे जाने के बाद UG में जाने के PAT सेलेक्ट कीजिए, देन आप काउंसलिंग का फॉर्म अपना फिल कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये IGKV के द्वारा ऑफिशियल जो बात कर सकते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो देखो यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज सारी सीटें दे रखी है, जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए, देन यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे रखा है। तो यहाँ पे हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जनरल के लिए जो सीटें हैं वो आपकी 619 है, SC के लिए 156, ST के लिए यहाँ पे टोटल सीट है 465, और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 207। ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो सीट्स होते हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे 1457, ठीक है, 1457 जो सीटें हैं वो यहाँ पे हो रही है। पहले कितना था, बात करें 2023 की, तो 2023 में ये जो सीटें थी वो थी आपकी 1647, ये टोटल सीटें जो थी आपकी IGKV में जो BSc एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट सीटी थी वो थी। लेकिन इस बार अप्रोक्स यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो है कितना सीट कम हो गया, तो आपका 200 जो सीट है समथिंग वो आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। इस वजह से जो आपका जो कॉलेज मिलने के जो चांसेस है BSc एग्रीकल्चर वो थोड़ा और यहाँ पे कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो सीटें हैं वो कम क्यों हो गई, इस पर भी तो हमें बात करना है ना। तो ये इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि इस बार जो आपका ICAR है, ICAR के द्वारा, देखिए पहले क्या था कि जो आपका यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें 15% जो सीटें थी वो आपका ICAR के द्वारा क्या रहती थी, रिजर्व रहती थी। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपका 20% जो सीटें हैं वो ICAR के द्वारा क्या है, भरी जाएंगी। इस वजह से जो सीटें हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस में ही लिखा हुआ है कि ICAR न्यू दिल्ली द्वारा एग्रीडेटेड महाविद्यालयों में 20% सीट जो है वो आपकी आरक्षित रहेगी BSc एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में। ओके, तो इस वजह से जो आपकी सीटें हैं वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो आपकी कम हो गई हैं। ये आपका जो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस की है, तो प्राइवेट कॉलेज जो होता है उसमें IGKV के जो ICAR के थ्रू जो है वो सीटें नहीं भरी जाती, आपका IGKV के थ्रू ही हो जाता है, काउंसलिंग के थ्रू। तो इस वजह से यहाँ जो सीटें हैं वो उतनी ही हैं
कम नहीं हुई है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिले अगर आपका रैंक जो है वो ज़्यादा आया हुआ है। चलिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बीएससी उद्यानिकी में प्रवेश कब से होगा और क्या इसकी काउंसलिंग अलग से होगी? अलग से होगी तो किस वेबसाइट पे? तो देखिए इसकी काउंसलिंग जो है वो अलग होगी, किस वेबसाइट पे होगी तो वो बता देता हूँ। आपका एक मिनट ना, ये आपका होगा mguvv.ac.in, इसमें विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग का जो नोटिस है, शेड्यूल है, वो सारी ही जानकारी आपको मिल जाएगी। बट अभी जब इस वेबसाइट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस है यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनके लिए, या फिर कह सकते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 एंड 25 में, तो उनके लिए अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पे शेड्यूल या फिर विंडो जो है वो ओपन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पीजी और पीएचडी के लिए ही ओपन हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आ रहा होगा कि जो है इसका जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब तक आ जाएगा? तो देखिए अभी जो आपका पीजी और पीएचडी है इनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चल रही है, तो यूजी के लिए जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका आ सकता है 25 तारीख के बाद आपका जो है जो नोटिस वगैरह है वो आपके आ सकते हैं अंडर ग्रेजुएट बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो यहाँ पे आपका ये सवाल भी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। मैंने वेबसाइट भी बता दिया कि किस वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग अलग होगी। इस पर भी हमने चर्चा कर लिया कि काउंसलिंग जो है वो आपका अलग होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीजीकेवी के बारे में, जो आपका पीएटी के थ्रू पीवीपीटी के एग्ज़ाम दिलाए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपका पशुपालन में पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा होता है तो वो करने वाले हैं, तो उनके लिए नोटिस और काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग होगा तो किस वेबसाइट के थ्रू होगा? तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है cgkvmis.cg.nice.in। यहाँ पे जब आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको तीन विंडो दिखाई देगा। फर्स्ट है यूजी प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट, देन है पीजी प्रोग्राम, और आपका उसके बाद है एडमिशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम, जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए या जो पीवीपीटी एग्ज़ाम दिलाए उनके लिए नहीं होगा, ठीक। जिन्होंको डिप्लोमा करना है तो ये वाला जो थर्ड जो आपको विंडो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको विजिट करना है, ठीक है। यहाँ विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे अभी सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी का ही ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, एनिमल हस्बेंड्री इन डिप्लोमा, ओके। तो उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पशुपालन में जो डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। तो वो अभी विंडो जो है वो ओपन नहीं हुआ है, अभी ओनली आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें हम बीवीएससी एंड एएच जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस तो एंड एनिमल हस्बेंड्री वो यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, मतलब करूँगा मैं कि इसके लिए जो आपका डेट है या नोटिस जो है वो कब आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए सभी का जो है ना धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। अभी देखो आपका एडमिशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम तो उसका जो है वो आ गया। अब देखिए धीरे धीरे सभी का जारी कर रहा है जो नोटिस है वो, अब एक ही बार तो सबका करेगा नहीं, एक ही बार करेंगे तो जो आपका वेबसाइट्स होता है वो थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा स्लो चलने लगेगा, इसलिए धीरे धीरे करके सभी का जारी किया जा रहा है। तो जो आपका सीजीकेवी का भी जो नोटिस है वो आपका आ सकता है कब से जी, 18 से लेके आपका 25 के बीच में। ये आपका इसका जो पीवीपीटी का नोटिस है ना वो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जुड़े रहना है चैनल में जैसे ही नोटिस आता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वेबसाइट में जो है ना नोटिस पब्लिश नहीं हो पाता है जल्दी से, एक दिन बाद नोटिस जो है वो आता है। तो मुझे पहले से नोटिस जिस दिन जारी हुआ था उस दिन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, मैं आपको जब भी नोटिफिकेशन आता है बता दूंगा, ओके। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।